अगर कोई पूछे कि आपकी जीवन की सफलता के कारण, तो बहुत से लोगों से बात आती है कि एक मेरी माँ का योगदान, हर कोई, और दूसरा मेरे शिक्षक का योगदान। उत्तर प्रदेश में सर्व शिक्षा अभियान में गति लाने का श्रेय जाता है माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को, जिनके दिशा निर्देशों का सुखद परिणाम देखने को साफ मिल रहा है। आज सरकारी स्कूलों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की उत्तम व्यवस्था है। कभी छात्रों की कमी से बदहाल दिखने वाले इन सरकारी स्कूलों में बच्चे पढ़ लिख कर सुनहरे भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं। वर्तमान समय में सरकारी स्कूलों की स्थिति में शानदार सुधार दिख रहे हैं। प्राथमिक विद्यालय मल्हौर में बच्चों को किसी कॉन्वेंट स्कूल जैसी ही सुविधाएं उपलब्ध हैं। यहाँ एक एक्टिविटी रूम है जहाँ बच्चे बैठकर पढ़ने का आनंद लेते हैं, एक लाइब्रेरी की तरह। अब एक्टिविटी रूम है तो बच्चे तो उसमें तरह तरह के खेल यानी एक्टिविटी तो करेंगे ही। इस रूम में कैरम बोर्ड भी है जिस पर बच्चे खेल का पूरा लुत्फ उठाते हैं। इंग्लिश के लिए भी अच्छा वातावरण सरकारी स्कूलों में दिया जा सके, इसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं ताकि हम लोग बच्चों को रिटेन भी कर सकें और बच्चों का जो इनरोलमेंट प्राइवेट स्कूल्स में हो रहा है वो बंद होके गवर्नमेंट स्कूल की तरफ बढ़े। वास्तव में खेल के बीज बहुत कम उम्र में ही उगते हैं, लेकिन जब बीजों के अंकुरण का समय होता है तो जो मालिक होता है यानी हमारे माता पिता अभिभावक, वो उसे कहीं दूसरी तरफ से मोड़ देते हैं। उनको लगता है कि उनका बच्चा अगर खेलेगा, उनका बच्चा अगर पढ़ाई के बजाय खेल की तरफ ज्यादा ध्यान देगा तो बिगड़ जाएगा, उसका भविष्य खराब हो जाएगा। और शायद इन्हीं अंकुरों को बचाने की एक कोशिश है स्पोर्ट्स अवेला। हमें लिखना है, पढ़ना है, आगे ही बढ़ना है, खाते हैं हम ये कसम। धन दोम 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 जो ज्ञान का रस इन सब मेजर से कोशिश यही है कि ड्रॉपआउट रेट कम हो, ज्यादा से ज्यादा बच्चों की उपस्थिति स्कूल में दर्ज हो। क्वालिटी बढ़ाने के लिए भी इसी प्रकार के कार्य किए जा रहे हैं। वो आती हैं स्कूलों में, बारी बारी से भी आ सकती हैं, एक साथ भी आती हैं, उनका एक प्रोटेक्शन भी पूरे स्कूलों में आ रहा है। हमें कर इस पे आधारित ये एक्टिविटी क्लास में करनी है, तो ये यहाँ पे हमारे लैब में हमने ऐसी छोटी छोटी कई चीज़ें इनके लिए रख रखी हैं जिससे कि जब हम इन्हें पढ़ाएं तो हम उनको उनके सामने रखें और ये खुद से करें और करके उससे सीखें। इन्वॉल्वमेंट बढ़ गया तो निश्चित रूप से शिक्षा के स्तर में कुछ ना कुछ क्वालिटी के रूप में इम्प्रूवमेंट दिखाई दे रहा। जो बच्चे पहले हमारे नीचे के श्रेणी में थे वो थोड़ी संख्या में जो करीब ऑलमोस्ट 10-20% वो परिवर्तित हो गए। डिजिटल एजुकेशन का काम शुरू किया और वो डिजिटल एजुकेशन का काम शिक्षा को रुचिकर बनाने से पहले शुरू हुआ, फिर ज्ञान भी वर्धन होने लगा, फिर फ्लिपकास्ट मॉडल आया, फिर वो करते करते कम्युनिटी का सपोर्ट मिलने लगा और एक आंदोलन सा बन गया। आज हजारों स्कूल डिजिटल्स बन गए। ये एक अद्भुत आंदोलन शिक्षकों ने किया। शिक्षा का सूरज है निकला, हो रहा है अब उजाला, आंखें खोलो, हमको भी है लिखना पढ़ना, हमको भी है आगे बढ़ना, तुम भी बोलो। और जिस दिन जो
सरकारी संपत्ति का लोगों को दुरुपयोग समाप्त करके सदुपयोग की भावना आएगी। जिस दिन ये भाव पैदा होगा कि गांव का लड़का भी पढ़ लिख कर कलेक्टर बन सकता है, इन प्राइम मैं खुद की प्राइमरी स्कूल की पढ़ी हुई हूँ, तमाम लोग मेरे समय के प्राइमरी स्कूल के पढ़े हैं, जिस दिन ये भाव होगा कि ये स्कूल हमारे हैं, हमारी गाड़ी टैक्स की कमाई से इनमें चीज़ें आती हैं, ये बच्चों की बेहतरी के लिए, मुझे लगता है उस दिन शायद जो मेरी परिकल्पना है वो ज़रूर साकार होगी। और ये परिकल्पना मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ इस 5 वर्ष की सरकार में जरूर सफल। जो नहीं पढ़ सकता उसके सामने जैसे अंधेरा है। जो सराहनीय प्रयास का सुखद परिणाम ये है कि आज सिर्फ बच्चे पढ़ने के लिए ही नहीं बल्कि उनके अभिभावक उन्हें पढ़ाने के लिए हर प्रकार से तत्पर हैं। जरा देखिए गढ़ियन पूर्वा प्राइमरी स्कूल की छात्रा अनुश्री और उसके छोटे भाई को स्कूल लाने और ले जाने में उनकी माता जी साथ आती है। सरकारी स्कूलों की स्थिति अब इतना अधिक संवर चुकी है कि अभिभावक शिक्षा के प्रति जागरूक हो गए हैं और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य को लेकर हर प्रकार से ध्यान भी रखने लगे हैं। इसलिए सरकारी स्कूल चुना क्योंकि हम चाहते थे कि हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले। हम लोग एक छोटे से तो गए हैं सरकारी स्कूल, ऐसा नहीं है कि गए dana dom 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 hame likhna hai padhna hai aage hi badhna hai khate hai humne kasam dana dom 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 jo pyaar kar sita hai shiksha kar sita hai hum logon ne ek maa samuh banaya। उस माँ समूह की क्या प्रगति हुई और माँ समूह इसी सरकार की देन है और वो हम लोगों ने यही सोच के बनाया था कि बड़ी शिकायतें मिलती थी कि मिड डे मील में अनियमितता है, मेनू नहीं मिलता है, केकार्डिंग नहीं मिलता है, गुणवत्ता नहीं ठीक है। तो एक माँ और भोजन का ऐसा अटूट संबंध है, आपसे भी आप कोई भी हो तो एक माँ जरूर ये पूछती है आज खाना क्या खाया। तो जहाँ माँ मेहनत मजदूरी करती है बर्तन भी माँ से खाना भी पकाती है। तो जब सरकारी, मैंने कहा ना वही बात, योजना बनी है, देना है, चल रहा है, सारे लोग उसी में इन्वॉल्व। एक माँ क्यों नहीं आ सकती है स्कूल देख सकती है 1 घंटे खाना कैसा बन रहा है, सफाई से बन रहा है कि नहीं, मेनू के अकॉर्डिंग है कि नहीं। और जब माँ आएगी तो स्कूल में निश्चित तौर से शिक्षक से उसका इंटरेक्शन होगा, एक तरीके से जो प्रिंसिपल टीचर कंसेप्ट पे हम बात करते हैं वो बात, तो ये सारी चीज़ों की मॉनिटरिंग होती है। अगर माँ समूह का गठन करने को कहा तो कितना हो गया, आधार कार्ड से लिंक करने को कहा तो कितना हो गया, आधार कार्ड में लिंक करने में समस्याएं क्या है, तो ये जो बैठकें होती हैं उन बैठकों के बाद उनसे उसके अपडेट्स भी लगातार। दाना दोम 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 हमें लिखना है पढ़ना है आगे ही बढ़ना है खाते हैं हम ये कसम।